मुंबई के बोरीवली में कल गुरुवार की शाम को 7:30 बजे इस दफ्तर में, जो कि मॉरिस नरोना का दफ्तर बताया जा रहा है, यहां पर फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर की हत्या कर दी गई, उन्हें गोली मार दी गई। और गोली मारने वाला शख्स कोई और नहीं था, उनके साथ लाइव पर बैठा ये मॉरिस नरोना ही था। और अभिषेक घोसालकर को गोली मारने के बाद इस शख्स ने 5 से 7 मिनट बाद इस दफ्तर के अंदर एक मेज़नाइन फ्लोर है वहाँ पर जाकर खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौत हो चुकी है। अब जो है कि इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को दे दी गई है, क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पता चला है कि मॉरिस नरोना, जो कि पहले लॉस एंजलिस में रहता था, वो यहाँ कुछ साल पहले वापस रहने के लिए यहाँ पर LIC कॉलोनी में आया, और यहाँ पर उसने कोविड के दौरान बहुत से लोगों को, गरीबों को अन्न धान का वाटप किया था, साथ ही मदद भी करता था। तो उसे यहाँ से नगर सेवक का चुनाव लड़ना था, इसीलिए वो अपनी एक छवि जो है समाज सेवक के तौर पर यहाँ पर बना रहा था। लेकिन जो अभिषेक घोसालकर थे, वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के पूर्व नगर सेवक, वो यहाँ से उनकी पत्नी फिलहाल नगर सेविका हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि मॉरिस नरोना जो है कि यहाँ से चुनाव लड़े। लिहाजा दोनों में इस बात को लेकर एक अनबन थी, नाराज़गी थी। और ये पता चला है कि मॉरिस नरोना को कुछ महीनों पहले बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और मॉरिस को ये शक था कि उसके पीछे अभिषेक घोसालकर ही हैं, इसीलिए छूटने के बाद वो उनसे नाराज चल रहा था। और जो जानकारी मिली कि उसने इसके उसी नाराज़गी में ये प्लानिंग की, और यहाँ से कल शाम 7:30 बजे करीब यहाँ पर अभिषेक घोसालकर, जो उनका दफ्तर है, यहाँ पर वो बैठे थे, यहीं से उन्हें बुलवाया और ये कहा कि दफ्तर के में आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं, और जो है कि जो गरीब हैं उनकी हम सेवा करेंगे, IC कॉलोनी के जो लोग हैं उनकी हम सेवा करेंगे। इसीलिए उसने उस दफ्तर से यहाँ पर बुलाया, और यहाँ पर जब अभिषेक घोसालकर आए तब अंदर जो है कि उसने दोनों में पैचअप हुआ, बातचीत हुई, और फिर जो है कि लाइव फेसबुक लाइव करने का दोनों ने फैसला किया, और फेसबुक लाइव के दौरान ही जो है कि मॉरिस ने गोली मार दी और खुद को भी गोली मारकर उसने एक तरह से खुदकुशी कर ली। अब इस मामले में दो और शख्स हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उन दोनों की भूमिका क्या है, और मॉरिस के पास बंदूक कहाँ से आई, और क्या उसने प्लानिंग कर रखी थी या फिर कुछ और मामला था। लेकिन इस वारदात से मुंबई की कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं फिर से सवाल पैदा हो गया है। एक तो अभी कुछ पिछले हफ्ते ही उल्लासनगर के पुलिस थाने में BJP के एक विधायक गणपत गायकवाड़ ने एकनाथ शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक महेश गायकवाड़ को सरेआम गोली मार दी थी, और उसके एक हफ्ते बाद ही हम देखने की मुंबई में इस तरह की वारदात हुई है, जिससे लेकर मुंबई शहर की कानून व्यवस्था पर एक तरह सवाल उठ गया है। और जो उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता हैं, खास करके आदित्य ठाकरे भी और संजय राउत ने भी साफ तौर पर इसके लिए देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा है, और ये कहा है कि पूरे राज्य में जंगल राज चल रहा है। और संजय राउत ने तो बाकायदा एक फ़ोटो भी ट्वीट किया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ, जिसमें कि मॉरिस नरोना जो है दिखाई पड़ रहे हैं। आरोप ये लगाया कि 4 दिन पहले ही मॉरिस नरोना जाकर एकनाथ शिंदे से मिलकर आया था। तो ये इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल जरूर उठ गया है, इस तरह की वारदातें जब बढ़ रही है मुंबई और महाराष्ट्र में, तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। मुंबई से कैमरामैन संदेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।